हेलो एवरीवन, हम अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम। अब बात करते हैं इन स्लाइटली बेसिक, और इसी को कह सकते हैं इन न्यूट्रल मीडियम। मैंने आपको बताया ना कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है या परमैंगनेट आयन है अपने आप को रिड्यूस जो करता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीसीज में करता है। तो यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि MnO4- अपने आप को रिड्यूस कर लेगा MnO2 में। अब इसका कहानी कुछ उल्टा है। हम लोग क्या करते थे कि जिधर ऑक्सीजन कम रहता था उधर वाटर जोड़ते थे। इसका कहानी है कि जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा उधर ही जोड़ेंगे। इधर दो ऑक्सीजन है या चार ऑक्सीजन, तो इधर दो ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम लोग एसिडिक मीडियम में वो साइड मतलब कि राइट साइड जोड़ रहे थे। हम लोग को लेफ्ट साइड ही जोड़ना है जितना कम है। तो यहाँ चार है या दो है तो दो कम है, तो यानी हमको यहाँ पे 2H2O लेना पड़ेगा। जितना हम H2O लेंगे उसका दुगना हम लेते थे एसिडिक मीडियम में H+ आयन। अब हम लोग लेंगे OH- आयन, यानी यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 4OH- आयन। ठीक, अब चार्ज बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 4 नेगेटिव, यहाँ 1 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका KMnO4 इन स्लाइटली बेसिक और इन न्यूट्रल मीडियम बराबर क्या होता है। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास 158 डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल, तो यहां पे होगा 3। तो हो जाएगा 3×5=15। ठीक, 3×2=6, आपके 3×6=18, 1.66। ठीक, ये था इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर हम लोग देखें एसिडिक मीडियम में तो यहां पे लिखेंगे कि इन हाईली बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम बराबर लिखेंगे यहां पे कि यहां पे जो मैग्नेट आयन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाएगा मैग्नेट आयन। इस पर मैग्नेट अपने आप को रिड्यूस कर लिया मैग्नेट आयन। कैसे? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन हाईली बेसिक मीडियम बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो हो जाएगा 158। अगर हम यहां देखें ई रिडक्शन का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, तो यहां था 1.23 वोल्ट और यहां होता है 0.56 वोल्ट। तो देख लीजिए कि जो KMnO4 है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में। तो लिखेंगे या इधर हम लोग व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कौन से मीडियम? बेसिक मीडियम। इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड इनटू MnO2। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि KMnO4 ऑक्सीडाइजेज इन किसमें? बेसिक मीडियम ए नंबर आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा Io3- में, आयोडेट आयन में। बी नंबर S2O32- को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट आयन में।
तो चलिए इसके हम लोग इसको बनाते सॉल्व करते दोनों, कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग वन देखने जा रहे हैं। ए नंबर क्या था कि आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लिखेंगे कि सबसे पहले कि MnO4 माइनस है वो बेसिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस कर लेता है MnO2 में, यहाँ पे प्लस 7 है यहाँ पे प्लस 4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करते थे हम लोग, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है और जितना ज्यादा है उतना हम लोग इलेक्ट्रॉन को उतना मोल वाटर लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम में इधर 2 मोल वाटर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 2H2O, ठीक 2H2O लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जितना वाटर लिए उसके दूसरे साइड उतना हाइड्रोक्साइल आयन लेंगे, OH माइनस आयन लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे मतलब कि चार्ज को देखेंगे, यहाँ पे 1 निगेटिव उधर 4 निगेटिव, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग कि I माइनस को आपको ऑक्सीडाइज करना है IO3 माइनस में, इधर देखिए 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इधर ही हम लोग 3 मोल वाटर लेंगे और उसका दुगना 6OH- आयन लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1 और 6 निगेटिव यानी 7 निगेटिव, यहाँ पे एक ही निगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब कैसे बैलेंस करें, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 3 निगेटिव है यहाँ पे 6 निगेटिव है, तो कुछ नहीं बस इसको 2 से गुना कर दीजिए सारा बैलेंस हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दीजिए 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O, ठीक प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो I माइनस यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 निगेटिव OH माइनस आया, यहाँ पे 6 OH माइनस है, ये कट गया उधर 2 OH माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 8 था इधर 6 था तो 2 OH माइनस आए, देख लीजिए चार्ज को देखते माइनस से, यानी यहाँ पे 2 निगेटिव और 1 3 निगेटिव, इधर देखिए आप 1 और 2 3 निगेटिव बैलेंस करें, हम तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 दुना 4 मोल वाटर है यहाँ 3 मोल वाटर है, तो ये तो वाटर का मोल भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 दुना 4 नहीं यहाँ पे 3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 मोल वाटर बचा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी पहले से आप इक्वेट कर लिए थे कि यहाँ पे 2 निगेटिव 1 3 निगेटिव, यहाँ भी 1 और 2 3 निगेटिव, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल था, फोकस करना था कि 2 में 4 मोल था या 3 मोल, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है क्योंकि काटने में कुछ कैंसिल गलत हो सकता है आपका, जैसे भी 4 मोल यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, यहाँ 2 में 4 सीधा लिख दिए थे लेकिन ये 3 मोल पे ध्यान नहीं था तो इसको काटे अभी तो 1 मोल ही बचा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लास्ट इसका बी नंबर कि थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट आयन में, क्योंकि Na2S2O3 को लिखते सोडियम थायोसल्फेट, तो यहां से आयन है तो थायोसल्फेट आयन हो गया। अब इस चीज को चलिए करते हैं बैलेंस, तो सबसे पहले बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस अपने आप को रिड्यूस कर लेता है MnO2 में, इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 मोल वाटर, उसके दूसरा साइड उतना हम लोग OH माइनस आयन ले लेते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि S2O32 माइनस अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट आयन में, अब सबसे पहले आइटम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, इधर 3 ऑक्सीजन है इधर 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम लोग 5 मोल वाटर लेंगे, जिधर ज्यादा रहता उधर ही लेते हैं, एसिडिक मीडियम में जिधर कम था उधर लेते थे लेकिन बेसिक मीडियम में जिधर ज्यादा उधर दूसरे साइड लेते हैं। अब क्या करें कि जितना वाटर नहीं है उसका दुगना मतलब 10 OH- आयन लेंगे, ओके चार्ज बैलेंस करते हैं हम लोग, चार्ज बैलेंस करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं कि 10
तो 12 निगेटिव है, यहाँ पे 4 निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। इक्वेट करते हैं इसको, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को 8 से गुणा कीजिए और इस इक्वेशन को 3 से गुणा कीजिए। ध्यान काटने में रखना है, तब सब लोग कर ले रहे हैं, काटने में ही इधर उधर कुछ छूट सकता है, तो ध्यान से देख लेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं, अब क्या कैंसिल होगा, चलिए पहले लिखते हैं 8MnO4 माइनस प्लस 3S2O32 माइनस, इतना तो हो गया। अब देखते हैं 8 गुना 16 मोल वाटर या 15 मोल वाटर, तो ये कैंसिल हो गया, मींस 1 मोल वाटर, 8 2 16, 5 3 15, 1 मोल वाटर रिमेंस हो गया, तो यहाँ पे H2O। चलिए अब देखते हैं OH, यहाँ पे 8 4 32 OH माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो 30, तो ये कैंसिल हो गया, उधर 2 बच जाएगा, तो यहाँ बचा 8MnO2 प्लस 6SO42 माइनस प्लस 2OH माइनस आयन। अब चलिए बैलेंस देख लेते हैं हम लोग, हाँ 8 निगेटिव और 6 निगेटिव, तो हो गया 8 और 6 निगेटिव, तो 8 और 6 14 मींस 14 निगेटिव आयन बचा, इधर देख लेंगे 6 2 12 एंड 2OH माइनस मींस 2R प्लस कर दीजिए उसमें, तो इधर भी देखें 14 और इधर भी देखें हम लोग 14, तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। हम लोग कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में पूछता है, कुछ क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, आप घर से उसको लेके बना के लेके आइएगा, देख लीजिए आपके जैक बोर्ड में क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ए नंबर कि Cr2O72 माइनस प्लस आयोडाइड आयन प्लस एसिडिक मीडियम कंप्लीट करना है इसको कि क्या होगा। नंबर बी Cr2O72 माइनस प्लस Fe डबल प्लस प्लस H प्लस आयन क्या होगा। सी नंबर Cr2O72 माइनस Sn डबल प्लस प्लस H प्लस आयन क्या होगा। डी नंबर MnO4 माइनस प्लस दे देगा H2C2O4 प्लस H प्लस आयन क्या होगा। ई नंबर MnO4 माइनस प्लस H2S प्लस एच प्लस आयन क्या होगा। ये आपको बनाना है, अपने से बना के देखना है आपकी क्या क्या होगा। तो एक दो तो सॉल्व कर देते हैं, जैसे में हम एक ये बता देते हैं और एक यहाँ पे बता देते हैं, दोनों बता देते हैं, ध्यान दीजिए। बाकी तो बताया हुआ है, अब बना सकते हैं अपने से भी, ऐसे इसको भी बना सकते हैं तभी देख लीजिए। तो पहले सी नंबर सॉल्व करते हैं कि डाइक्रोमेट आयन प्लस SN डबल प्लस प्लस हाइड्रोजन आयन, ये है कि आप इसको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को पूरा कर दीजिए। ओके क्या करें, सबसे पहले देखना है कि H प्लस आयन यानी एसिडिक मीडियम का कहानी है। तो सबसे पहले Cr2O72 माइनस एसिडिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस कर लेता है Cr ट्रिपल प्लस में, एटम बैलेंस करते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो 7 मोल वाटर लेते हैं और इसका दुगना हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं। चार्ज देखते हैं, यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, यहाँ 6 पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इतना तो कर लिया। अब क्या करना है कि SN डबल प्लस मींस SnCl2 भी लिख सकते हैं, आयन के रूप में SN डबल प्लस लिख सकते हैं, ये अपने आप को SN4 प्लस में चेंज कर लेगा, यहाँ 2 पॉजिटिव यहाँ 4 पॉजिटिव, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। अब कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए 3 से
सॉरी इसको क्यों गुना करेंगे, 6 है यहाँ, तो इसको गुना कर देते हैं 3 से, यहाँ कुछ से गुना नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बना लीजिए, बन गया। अब क्या करेंगे, ये 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया Cr2O72 माइनस प्लस 14H+ प्लस 3SN डबल प्लस, यहाँ बचा 2Cr ट्रिपल प्लस 3SN4 प्लस 7 मोल वाटर। देख लीजिए बैलेंस देखिए, 14+ और 6+ तो हो गया 20+, दो निगेटिव गया तो 18+। यहाँ भी देख लीजिए 3 चौके 12, 3 4 12 और 2 3 6, इधर भी 18+, तो दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि बैलेंस है। अब एक ये था, तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप का दिया हुआ था फाइनल, ये चीज आया था, आप इसको ऐसे लिखिए कि Cr2O7 यहाँ 14H+, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 14H+, 3SN++, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, किस चीज में किया, तो यहाँ लिख दीजिए 2Cr3++ प्लस 3SN4+, ओके 4+ प्लस 7 मोल वाटर, दैट्स इट। इस टाइप का आपको बनाना है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर ई की MnO4- प्लस H2S प्लस हाइड्रोजन आयन, इसको प्रेडिक्ट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि एसिडिक मीडियम है, तो अभी आपको मैंने बताया कि MnO4- जो है ना अपने आप को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर लेता है Mn डबल प्लस में, ओके। अब देखेंगे कि 4 ऑक्सीजन है तो 4 मोल वाटर, दैट इज 8 पॉजिटिव आयन, 8 पॉजिटिव आयन चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 7 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, H2S जो है ना अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है S में। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 2H+ आयन, अब देखिए कि इधर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ 2+ चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे इक्वेट करने के लिए, इसको गुना करेंगे 2 से और इसको गुना कर देंगे 5 से। चलिए अब लिख लीजिए आप, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 5 गुना 10 गुना 16, तो 6। तो यहाँ लिखेंगे आप कि MnO4- तो 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2MnO4- प्लस, यहाँ 8 गुना 16 था या 5 गुना 10 था, तो 6H+ प्लस 5H2S, ओके यहाँ बचा आपका 2Mn++ प्लस 5S प्लस 8 मोल वाटर। चलिए अब देख लेते बैलेंस कि नहीं, यहाँ पे 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव गया तो 4 पॉजिटिव बैलेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया, और मैंने फंडामेंटल डिफरेंशियल बताया था कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल या जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उसी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 सीरीज कंटेन करता है, एक लेंथेनॉइड सीरीज, एक एक्टिनॉइड सीरीज, डिटेल्स चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।